गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग। सो एक नई सुबह हो चुकी है और आज मैं विजिट करूँगा बाई बस, बिकॉज टुडे आई एम ओनली सिंगल वन। सो बस से जाएंगे, बस का एक्सपीरियंस आपको बताएंगे कैसा रहा क्या रहा। अभी मेरा जो अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूरी है बस स्टॉप, तो मैं बाई फूट ही कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे 2-4 किलोमीटर इवन 5 किलोमीटर भी आप इजीली बाई फूट कवर कर सकते हैं, पोल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी, सब कुछ बढ़िया है, आपको चलने में मज़ा आएगा। और इन माई बैक साइड देर इज़ बस टर्मिनल। अभी बज गए हैं सुबह के 8, यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है। दोस्तों मैंने ले ली है टिकट, और जो टिकट ली है वो गोल्डन सर्किल और ग्रीन हाउस है वो कवर करेंगे। ये टिकट, इस टिकट की कॉस्ट है 6799 ISK, करोना यहाँ की करेंसी है। सो अभी मेरे को 30 मिनट्स बाद में यहाँ से बस मिलेगी। गाइस टाइम हो चुका है और बस आ चुकी है। ये मेरे बैक साइड में बस है, ये बस जाएगी। Hi, very good morning. How are you? I am good. Yeah? Good. Thank you. Can you give me your last name, please? So guys, पहुँच चुके हैं ग्रीन हाउस और यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स हैं वो प्रिपेयर होती हैं। और अभी बैक साइड में ये बस है, अभी सिर्फ यहाँ पे हाफ एन आवर मिला है, हाफ एन आवर में विजिट करना है। Yes, would you like to have it? Yeah. 1,000 krona. 1,000 krona. Okay, tomato soup. So. So guys, अगर आप टोमेटो बियर और टोमेटो सूप है वो अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। एंड हाउ मच करोना फॉर बियर, टोमेटो बियर? 1,100. 1,000? 100. Okay. And you can choose the breadstick for you. Okay. This is complimentary. Okay. I have to choose one of them. Okay. Thank you. This is the tomato soup. और ये ब्रेड है, कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिला है साथ में। सो गाइज पहुँच चुके हैं गोल्डन सर्किल एरिया में और इधर बैक साइड में बस है और यहाँ पे हो रही है बारिश बहुत तेज। और अभी यहाँ हम देखने वाले हैं गेसियर। यहाँ पर जो पानी है उसका जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। See guys, this is too hot water. दोस्तों यहाँ पे ज़मीन से पानी ऐसे निकल रहा है गर्म,
और जब आप उसके पास में खड़े रहेंगे तो आपको लगेगा जस्ट नॉर्मल है, लेकिन एकदम से वहाँ पे जंप करता है पानी, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जो भी यहाँ पे एरिया दिया हुआ है कि दिस इज़ द डेंजर एरिया, वहाँ पे आपको जाना नहीं है, जस्ट उस लाइन को क्रॉस नहीं करना, क्योंकि इन जब आप उस जिस सिचुएशन में विजिट कर रहे हो उस सिचुएशन में हो सकता है आपको नॉर्मल वाटर लगे, लेकिन इन जस्ट फ्यू सेकंड इतना गर्म पानी उछलेगा और अगर आपके ऊपर गिर गया तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो जाएगी और आप जल जाओगे। सो बी केयरफुल हियर। ये इधर टॉप है पूरा, यहाँ से दूसरी साइड में रोड भी दिखाई देती है। अभी थोड़ा आज बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो धुंध आ रही है यहाँ पे, तो शायद आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है यहाँ पे। ये जो वाटरफॉल है ये सबसे बड़ा वाटरफॉल है अभी तक जो भी जितने भी आपने देखे हैं उस इन सब में से। People are crazy for getting photographs. So guys, ये वाला जो waterfall है ये सबसे different है और इसमें दो level है, एक level ऊपर है एक down है। So अभी जो आपको scene दिखाया था वो ऊपर का scene दिखाया और अभी मैं जो दिखाने वाला हूँ जो नीचे जाके फिर आपको scene दिखाने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा स्लीपरी है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वॉक हियर, बट स्टिल पीपल आर क्रेजी टू गो देयर। Now I have to stop the video because it's very slippery और
मुझे इस रस्सी को पकड़ना होगा